हेलो जी, राम राम जी, सारा ने स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं अब आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज मेरा ओनली किचन का ब्लॉग है और बाकी कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों का दूध, क्योंकि सवेरे सवेरे बच्चे दूध ही पीते हैं, दोनों बच्चे दूध ही पीते हैं। अब मैंने दूध बना दिया इनका, अब है ना मैं रख के सारे बर्तन उतार लूँगी, क्योंकि जो मैंने रात को बर्तन साफ़ करे थे वह मैंने टप में रख दिए हैं। अब मैं जो इस रैक में बर्तन है सारे उतार लूँगी, क्योंकि है ना थोड़ी थोड़ी गर्दन सारे रैक पर जमे जाते हैं। एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहती हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा साधन हो गया है, मतलब जिसके द्वारा हम अपनी पूरी ज़िंदगी रिकॉर्ड करते चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो कोई भी बात है ना। बात है ना, हम सोचा करते दिमाग में हम पहले क्या थे, क्या करा था, क्या नहीं, लेकिन अब तो हमें सारी बातें है ना यूट्यूब पर देख सकते हैं हमने क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि हम है ना उन समय को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी तो जी सकते हैं ना हमने क्या करा क्या नहीं करा अच्छे से। देखिए फिर मेरे लड़के ने कैमरा ही घुमा दिया, उस स्टैंड बाहर ठा लेगा, अपनी दादी को हुक्का पीते हुए दिखा रहा है। देखो कैसे धुम्मा ठा रही हुक्का पीपी के। अब मैं वापस ले आई हूँ रसोई में, अब मैं इस रैक को ना मतलब मांझ लूँगी सर्फ के साथ, क्योंकि है ना इस पर गिरदा है ना जमे जाए, इतना जल्दी जल्दी रोज ये कपड़ा मारना पड़ा है। अगर ना एक दिन भी कपड़ा ना मारूँ ना गिल्ला, तो मतलब निशान से पड़ जा हाँ। अरे ये मैं सारा रखा ना जो मतलब सर्फ लगा रखा है वो मतलब साफ़ कर लूँगी गिल्ले कपड़े गला, क्योंकि यहाँ है ना अगर मैं पाइप चलाऊँगी ना तो यहाँ पर बिजली की फिटिंग हो रही है, जहाँ देखो दिखाई दे रही हो आरओ के साथ ही है, क्योंकि पानी इसमें खटके में पड़ जा, कहीं ऐसा लगा कहीं मेरा करंट ना मार के, क्योंकि मैंने डर लगा अरे बिजली है, इसलिए मैं दो चार बार मतलब गिल्ला कपड़ा भिगो भिगो कर अच्छी तरह साफ कर लूँगी, जिस तरह और रैक है ना पूरी तरह साफ हो जाएगा। देखो क्योंकि इसके अंदर है थोड़ा थोड़ा जरसा भी लग रहा है, क्योंकि इनका पहले का रैक है, ईव का नहीं है। अब मैं इस पर सूखा कपड़ा फेर दूंगी, क्योंकि जो भी दाग धब्बे थोड़े बहुत रह गए हैं ना वो उस तरह साफ हो जाएंगे, क्योंकि रसोई में ना सफाई तो मांग गई है रसोई, और फिर भी कितना ही काम कर लो किसी का कोई गुणस्यान नहीं है, चाहे सारा दिन लगा रहो कितना ही काम करे जाओ सारा दिन, फिर भी कह दे हैं यो नहीं करा यो नहीं करा यो नहीं करा, सही में मुश्किल है हर काम, बहुत मुश्किल है हर काम। यहाँ मैं जंगले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत ही गिरदा लग रही है, ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा कि चिमनी भी लुआ रखी है, फिर भी मतलब इस पर है ना गिरदा सी जमे जा छोक सा हल्का फुल्का। चिमनी तो मैंने पहले आप लोगों को साफ़ करके दिखा दी थी मैं कैसे साफ़ करती हूँ, अब मैं मतलब रसोई की सारी पूरी सफाई करके दिखाऊँगी। एक ये मेरा लड़का ना कभी पीछे पीछे लाग रहा, कभी कुछ उठा ले जा कभी कुछ उठा ले जा है, देखो ये पीछे ऊपर भी चढ़ जाएगा, यहाँ मैंने कप रख थे वो सारे ऊपर रख दिए, मैं ये जो हमारे खाने बनवा रखे रसोई में उन पर हल्का गिल्ला कपड़ा मार लूँगी। देखिए बिना धोए बर्तने ऊपर से जा रहा है, इतना तेज़ बन रहा है ये बहुत ज़्यादा, देख लो चिमनी है फिर भी गर्दा सी छोक सा उड़े जा, इतना मुश्किल हो जाता उतारना बहुत घना। अब मैं यो इस दूसरी साइड आ चुकी हूँ मैं, अब ये थोड़े रैक साफ करनी है भी कर दूँगी मैं, क्योंकि अंदर तो कुछ बढ़ता ही नहीं है, ज़्यादातर तो बाहर एक ये हाथ उथ लगा है, जैसे चून के हाथ लग गए कहीं कुछ कुछ के हाथ लग गए, मतलब होता ही रहा है इसमें। अरे कि स्टैंड ना टिकने नहीं देता, कदे की तोड़े ले जा कदे की तोड़े ले जा है,
अब मैं सारे बर्तन मांज के सारे साफ कर लूंगी। मैंने ये सारे बर्तन मतलब जो अब मैं दिखाऊंगी मतलब ये जो लग रही है ना ये चमचा वाले रैक ये साफ करके दिए, साफ मैंने करे दिए ये भी। अब ये जो तिकोना कप वाला स्टैंड है अब ये साफ करना रह रहा है मेरा और कुछ, क्योंकि इस पर भी अगर कप यूज ना होना अड़कड़का इन पर भी रेत चढ़े जा है। अब ये क्योंकि स्टैंड तो मैंने बहुत पसंद आई हो, इतना अच्छा लग गया था मुझे ये जब हम लेके आए। अब मैं टहला ना भी साफ कर लूँगी, क्योंकि यानी ये टहला ना इतनी मतलब खाने से बन रहे हैं जो हमारे पहले वाली रसोई थी ना उसकी टहल बहुत अच्छी थी। अगर मैं कपड़ा भी गीला कपड़ा भी मार दिया कर मतलब मुँह चम क्या करता, लेकिन इनमें तो कुछ भी ना चमकता, इतनी गंदी टहल लग गई मैंने, क्योंकि जो इनमें थोड़ा थोड़ा बहुत भी गंदा गंदा सा हो जाए ना मतलब अलग ही दिखने लग जाए। अरे जो ये खाने से बन रहे हैं इनके अंदर है ना छुप जाओ, मैं बढ़ा रहा इसके में। अब मैं टहल भी सारी साफ कर लूँगी। क्योंकि अकेला आदमी ना बहुत खाना काम हो जाए, कह दें अकेले है सुख है, लेकिन अकेले का सुख भी हर दुख भी है और कुछ ना, दूसरा आदमी हो तो कुछ और काम कर ले। लेकिन अभी मेरा पोचा मारना भी बाकी था, सारा ही काम बाकी था, क्योंकि इसमें कम से कम मेरे 2 घंटे लग गए होंगे रसोई में, इतना काम हो रहा था रसोई में बहुत घना। क्योंकि है ना मैंने अब अगर रसोई की सफाई कर ली ना फिर करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे जाना घर फिर, अब फिर मैंने कोई टेंशन नहीं रहा घर की, अब मैंने सफाई नहीं करके आई थी क्योंकि मेरी माँ ने आँख बनवा रखी, इसलिए मुझे मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई के साले की शादी है, वो सब यहाँ पर आ जाएंगे और मैं हमारे घर चली जाऊँगी। ये हमारा कांच का है यो गैस चूल्हा, बहुत अच्छा लगा है साफ करती, इतना अच्छा हो गया है चमक्या हुआ। अब मैंने ना पूरी रसोई अच्छे से साफ़ कर दी है, और जो बर्तन रात को साफ करे थे वो मैंने जचा दिए हैं सारे।
क्योंकि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्योंकि आज का ब्लॉग यहीं तक था। देखो पूरी रसोई एकदम चमका दी है। देखो पहले मेरी में कितना अंतर हो गया है। देखो सारे खाने खुने सारे चमक रहे हैं। देखो रैक में बर्तन मैंने अच्छी तरह से चढ़ा दी। आज का ब्लॉग यहीं तक था।